करीब 800 रुपए की लागत से बनी इस इमारत को गिराने में लगे 17.55 करोड़ रुपए। 3700 किलोग्राम विस्फोटक ने ध्वस्त कर दिया 9 से 12 सेकंड में यह इमारत। कुतुब मीनार से भी ऊंचा था नोएडा का ट्विन टावर। भ्रष्टाचार के इस टावर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी विस्फोटक सामग्री। नोएडा स्थित सुपर टेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। विस्फोटक के बाद चंद सेकंड में विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। अवैध रूप से निर्मित इन ट्विन टावर को धराशायी करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के एक साल बाद कार्रवाई की गई। लगभग 100 मीटर ऊंचे इस टावर को चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली के कुतुब मीनार से ऊंचे इस ट्विन टावर को वाटरफॉल इमोजन तकनीक की मदद से गिराया गया। ट्विन टावर भारत में अब तक ध्वस्त की गई सबसे ऊंची संरचनाओं में एक थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से नोएडा के सेक्टर 93 AK सुपरटेक सोसाइटी के भीतर 2009 से 32 मंजिला टावर निर्माणाधीन थे। इमारत गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत को बनाने में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी और अब इसको गिराने में भी लगभग 17.55 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और ये खर्च सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। सुपरटेक इमारत की ऊंचाई ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार से भी अधिक है। इसको बनाने में कई साल लग गए थे, अब गिराने में पल भर का वक्त लगा है। इमारत को गिराए जाने के बाद इससे निकला हुआ गुब्बारा करीब 300 मीटर तक फैलेगा। इस दौरान आसपास के इलाकों में इमारत को ध्वस्त होने से उत्पन्न कंपन का भी महसूस किया जा चुका है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे दोनों टावर को महज 9 से 12 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। इतनी बड़ी इमारत को गिराए जाने का ये नजारा पूरा देश टेलीविजन पर देख रहा था। बारूद से गिराने के लिए दोनों टावर में करीब 9,640 छेद किए गए थे और 3700 किलोग्राम विस्फोटक भरा गया था और इसे रिमोट के जरिए विस्फोट करके जमींदोज किया गया है, जिसका नजारा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इमारत भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मिसाल भी रही है।